नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद विकास खंड शमशाबाद ग्राम पंचायत गुसरापुर में विधायक विधानसभा अमृतपुर श्री सुनील कुमार शाक्य ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। श्री सुशील शाक्य जी ने पूर्व प्रधान सीमा अवस्थी के कार्यकाल में बने पंचायत भवन के भी कायाकल्प का उद्घाटन किया। इस पंचायत घर को बनवाने में पूर्व प्रधान सीमा अवस्थी के स्वर्गीय पति श्री विजय अवस्थी ने अथक प्रयास कर अपनी जमीन को दान करके बनवाया था। वर्तमान प्रधान स्नेहा वाजपेयी द्वारा किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक जी द्वारा किया गया। श्री विधायक जी द्वारा गांव रामनगर में 200 मीटर नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य, प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य का उद्घाटन किया एवं वर्तमान प्रधानपति श्री अमन अवस्थी के निज निवास श्री रघुवीर दयाल निकुंज गुसरापुर में ग्रामीणों को संबोधित किया। कार्यकाल में श्री विधायक जी का ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से है। मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्त्रियों ने बांसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों धरना प्रदर्शन किया। बाद में काफी समझाने बुझाने के बाद इन लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में ताला बंद कर प्रदर्शन करने के अपने इस निर्णय के बारे में बताते हुए आशा कार्यकर्त्री ने कहा कि मार्च माह से सिर्फ उन्हें 2000 का भुगतान दिया गया था। इसके बाद से अभी तक किसी भी आशा कार्यकर्त्री को पैसा नहीं मिला है। आशा नैना दुबे ने बताया कि उनके वेतन के अलावा सरकार की जिन योजनाओं का लाभ उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को मिलना है उसका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्षेत्र में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इनका कहना है कि आशाओं से सिर्फ काम ही लिया जाता है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। इतने काम के बावजूद भी अगर पैसा ना मिले तो फिर दिक्कत तो होगी ही। इनका कहना है कि कई बार इन लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी बात की है लेकिन बजट ना होने की बात कहकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आशा बहू के पद पे तैनात हैं। हमारा नाम नैना दुबे है, ग्राम महुआ कला से हैं। सर, ताला इसलिए लगा है, मार्च महीने में जो भुगतान हुआ सिर्फ 2000 का भुगतान हुआ है, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और फिर जो जेएसवाई करा रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पीयर एजुकेटर का बच्चों का है, वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम जाते हैं फील्ड में निकलते हैं तो लाभार्थी कहते हैं हमारा पैसा आशा खा गई है, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कोई काम करने जाओ तो कहते हैं आशा आई है, अरे ये आई है जरूर पैसा लेगी। यहाँ करो कोई काम तो ये लोग कहते हैं अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है तो बजट मैंने 5 महीने से काम कर रहे हैं तो बजट कहाँ चला जा रहा है, क्यों नहीं बजट है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हमारा पैसा मिले, जेएसवाई पैसा मिले, बच्चों का पैसा मिले, जो काम कर रहे हैं काम का हमारा भुगतान तो होना चाहिए। एको दिन छुट्टी नहीं मिल रहा है, काम पे काम लिए जा रहे हैं तो भुगतान तो चाहिए हमें कि नहीं चाहिए। किसी के घर इसी के ऊपर बैठे हैं अगर तो बंदा कैसे खाएगा पिएगा। खेती आ गई, एडमिशन आ गया, बच्चों का क्या क्या आ गया, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए। उच्च अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया है क्या? अधिकारियों को हम कई लोगों को पता आज बात कर रहे हैं, 8-8 दिन पे आके बजट आएगा डाल देंगे। पिछले सोमवार को भी आए थे नौगढ़ वाले, अधिकारियों को नहीं कराया हुआ। जो जानकारी मिली इसके बारे में और मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात किया है और मैंने कहा है अगर जरूरत हो तो मुझे आशाओं से बात कराइए। आशाओं को मानदेय या NHM में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस समय बजट नहीं आया है तो कुछ कुछ उनका बकाया हो सकता है, लेकिन केवल बसंतपुर की बात नहीं है, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। क्योंकि बजट का अभी तो अभाव है, राज्य सरकार से अभी बजट नहीं आ पाया है पूरा, इसी महीने बजट आ जाएगा। मैंने कहा है
हाँ वो खुल चुका है, बात होगी हमारी खुल चुका है, आशाओं से बात की गई है। मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर कोई आपको समस्या है, आप संतुष्ट नहीं है, तो 16 जुलाई को आकर मुझसे बात करें। तो मैंने उनको बुलाया बात करने के लिए, वैसे कोई बात नहीं है। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। यूपी के आगरा में रेडीमेड गारमेंट संगठन की ओर से 3 दिवसीय आगरा रेडीमेड गारमेंट फेयर की उद्घोषणा के साथ निमंत्रण स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया गया। 19 से 21 जुलाई तक लगने वाले मेले की उद्घोषणा संगठन के पदाधिकारियों ने होटल PL पैलेस में की, जिसमें देश भर के व्यापारी व मैन्युफैक्चरर्स सीधे संवाद कर सकेंगे। अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि 3 दिवसीय रेडीमेड गारमेंट फेयर में दीपावली बेडिंग एंड विंटर कलेक्शन के फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश का नामचीन ब्रांड निर्माता भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। MSME विभाग 70-75% रिवेट देता है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है, अगली बार इसका लाभ ले सकेंगे। सचिव अशोक कुमार माहेश्वरी ने बताया कि फेयर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लुधियाना, इंदौर, कानपुर आदि की 80 कंपनियों के साथ 100 से अधिक व्यापारियों ने मैन्युफैक्चरर्स अपनी स्टॉल लगाएंगे। फेयर में आने वाले शहालग एवं सर्दियों के हिसाब से फैब्रिक का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मेरी उम्मीद है कम से कम 500 से लेकर के 700 आदमी व्यापारी जो हमारे हैं पूरे बुंदेलखंड, उत्तराखंड और यूपी के और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, ये सब जो है आने की प्रबल इनकी जो है संभावना है। और ये लोग जो है दूर दूर से आज आगरा के अंदर, आप ये समझिए कि 1000 किलोमीटर के रेडियस से व्यापारी बाहर से आता है, आकर के अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी जिसको जो ब्रांड चाहिए आज आगरा के सब डिस्ट्रीब्यूटरों पे उपलब्ध है। और वो अपने मनपसंद, चाहे बच्चों का हो, किड्स का हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, सब में जो है वो अपने मनपसंद कलर का नामी आने वाले जो हमारा दिवाली का सीजन है उसके लिए तैयारी करता है और जो है बुकिंग करा के जाता है। हमारे व्यापारी भाइयों ने भी इसको भला चढ़ा के करने के लिए बहुत से हमारे आज के डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों ने आगरा में स्कीमें भी लगाई हैं, जिसमें 3 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक की स्कीमें हैं। जो भी बाहर से हमारे व्यापारी भाई आएंगे उनको प्रोत्साहन देंगे। कितने का बिजनेस होने की संभावना है? मैं समझता हूँ कम से कम इसमें 500-700 करोड़ से कम का बिजनेस हमें अपनी लक्ष्य लेके चले हैं कि 500-700 करोड़। हाँ जी बिल्कुल, रखा गया है, LED रखे गए हैं, बैंकॉक ट्रिप, बाहर के विदेश ट्रिप रखे गए हैं, सिंगापुर का, मलेशिया का, दुबई का ट्रिप रखा गया, साथ में एक्टिवा स्कूटर तक रखे गए हैं। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
सिद्धार्थनगर में नियमित तौर से वेतन न मिलने से नाराज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। 11 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में दर्जनों की संख्या में प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने शिरकत की। धरना प्रदर्शन के बारे में बताते हुए संघ के जिलाध्यक्ष बाल गोविंद मौर्य ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत लोग अपनी शिक्षण व इससे संबंधी अन्य कार्यों को पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं, लेकिन इन लोगों को नियमित भुगतान नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन न मिलने से उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। उन्होंने सरकार से उन लोगों का भुगतान तत्काल करने की मांग की है। जी, हमारा नाम बाल गोविंद मौर्य है और मैं राजकीय शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा पूरा मामला यह है कि राजकीय विद्यालय जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो विद्यालय आते हैं, 5 महीने के आसपास हो गया इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से यहाँ का जो है बजट आता है और हम लोगों का वेतन नियमित मिलता भी नहीं है। साल में 3-4 बार ही बजट ऐसे आता है, 3-4 महीने पे, जिससे हम शिक्षक पूरी तरीके से पीड़ित हो गए हैं। 4 महीने से हमको वेतन नहीं मिला है। इसी संदर्भ में हम लोग डीआर सर को आज ज्ञापन दिए हैं और विद्यालय पे तालाबंदी करके अपनी उपस्थिति डीआर कार्यालय में हम लोग दर्ज करवाए हैं। अगर हम लोगों का वेतन नियमित नहीं हुआ तो हम लोग विद्यालय बंद करके यहीं पे अपनी उपस्थिति हम लोग दर्ज करवाएंगे। सर, आपके कैंपस में धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन की वजह क्या है? जैसे हमारे यहाँ कुछ राजकीय विद्यालयों में आरएमएसए के अंतर्गत नियुक्ति हुई है, इनका बजट जो है प्लान के अंतर्गत आता है और हमारे 3 विद्यालय हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तेतरी बाजार, डुमरियागंज और बांसी, ये नॉन प्लान के अंतर्गत हैं। तो प्लान के अंतर्गत आते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट से इनकी ग्रांट जो है एक साथ रिलीज होती है, इसलिए इन लोगों को वेतन में दिक्कत हो रही है। इस पर गवर्नमेंट के विचार कर रही है कि इन लोग विद्यालयों को भी नॉन प्लान में कर दिया जाए। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। जनपद फिरोजाबाद में वन महोत्सव योजना के अंतर्गत श्री विवेकानंद विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अध्यापकों से वृक्षारोपण गतिविधि सीखी। इस दौरान बच्चों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय प्रधानाचार्य साहित्य प्रकाश व मैनेजर राष्ट्र प्रकाश धनकर द्वारा नीम का पेड़ लगाकर क्लीन एंड ग्रीन APS के संदेश को सार्थक किया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा आम, पीपल, गुड़हल, तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट आदि पौधे लगाए गए। आपको बताते चलें कि फिरोजाबाद में श्री विवेकानंद विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन राष्ट्र प्रकाश धनकर ने नीम का पौधा व विद्यालय में 40 पौधे लगाकर किया। इस दौरान एक समागम का आयोजन कर विद्यार्थियों को वृक्षारोपण का महत्व व इसकी उपयोगिताओं के बारे में समझाया गया। इस समागम में विशेष तौर पर समस्त अध्यापक उपस्थित रहे। धनगर ने कहा कि वृक्षों का मानव जीवन और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान है। वृक्षारोपण से एक तरफ पर्यावरण संतुलित होता है, वहीं मानव मूल्यों की स्थापना के लिए भी इसका विशेष महत्व है। पौधारोपण केवल वन विभाग का ही नहीं बल्कि ये हम सभी का दायित्व है। हमें पौधारोपण के बाद इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और बच्चों को बताया कि वो
जन्मदिन, त्योहारों आदि अवसरों पर एक दूसरे को पौधे उपहार स्वरूप देकर हरियाली का संदेश फैला सकते हैं। आज श्री विवेकानंद विद्यामंदिर जूनियर हाईस्कूल सुकमा पुण्यवाद के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें लगभग करीब 40 पौधे लगाए गए। मैं स्वयं राष्ट्र प्रकाश ने नीम का पेड़ लगाकर पौधा लगाकर इस प्रारंभ तक लिए। मेरे सभी सहपाठी अध्यापकगणों ने भी इसका बहुत बड़ा सहयोग किया है। विद्यालय के बच्चों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारा वन विभाग का ही नहीं अपितु मानव जीवन में मनुष्य का भी दायित्व बनता है कि हम वन विभाग में पौधे रोपण करें। विद्यालय में जिस तरह से प्रयोग किया है और वन विभाग के बाद भी हम उसका पौधा लगाने के बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456210 4